धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सारी साथ संगत को मेरी तरफ से प्रेम भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं विजेंद्र कुमार गांव चुटाला से और मेरे पिताजी का नाम श्री बुद्ध राम जी का सबसे बड़ा लड़का हूँ और विष्णु का सबसे बड़ा भाई हूँ। विष्णु महात्मा जी जो ये कल मीडिया के अंदर बयान दिया था उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है और ना ही हमारा फर्ज बनता है कि हम गद्दी का फैसला ले उसको दें या उसको दें, हमारा कोई हक नहीं है। और जो साथ संगत फैसला लेगी उसके हम साथ हैं। परिवार इतना ही नहीं है, परिवार और भी बहुत है। हमारे पूज्य पिताजी है, भाई है, ओम भाई साहब है, उनको बहकावे में न लेके आए। विष्णु से आप विनती है जो है उसको छोड़ दे। गद्दी का तो मैटर ही, मैं तो विष्णु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ गद्दी का मैटर तू छोड़ दे। अपने को 8 तारीख तक बैठना है, उसके बाद जो साथ संगत फैसला लेगी उसी को ही डेरा सौंप दिया जाए। और जो बात रही वीरेंद्र को, वीरेंद्र तो इसके लायक नहीं है भाई, वीरेंद्र बिल्कुल इसके लायक नहीं है। जो आप कह रहे हैं इसको महाराज जी ने दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, अरे इसने महाराज जी की बॉडी के साथ कितना दुर्व्यवहार किया है। 21 तारीख को चोला छोड़ दिया, अपने को 11 दिन बाद बॉडी लेके आता, वो भी अमर सिंह सहरण, वो वीडियो 2 दिन पहले डालते ना, तब जाके सारी साथ संगत को पता लगता है भी ये मैटर हो गया, तब जाके। अगर वो नहीं डालते ना अपने को बॉडी नहीं मिलती। और बॉडी जहां से वो लेके आए ना, पतला सा बक्सा था, बाबा जी के बदन पे कोई कपड़ा नहीं था सिवा एक निक्कर के, नलकियां वैसे ही पड़ी थी। एम्बुलेंस पिछले गेट से आई, आके 5-4 प्रेमियों को बुलाया, भाई इधर आओ ये बक्सा नीचे डालोगे। तो उनमें से वो पूछने लगे महात्मा जी इसके अंदर क्या चीज है, क्या तुम नीचे डाल दो, क्या बताओ तो सही इसमें क्या है, क्या चले जाओ हम अपने आप ही डाल लेंगे। वो 5-7 आदमी वो चले गए, उनमें से एक आदमी पीछे रह गया और वीरेंद्र को पता नहीं चला भी उस 5-7 में से 6 ही आगे गया है, इधर भी रह गया। उसने सोचा ये अपने वाला ही अंधे है। उसने नीचे डाल के उसका ढक्कन जो ऐसे किया ना, तो उस आदमी अचंभित रह गया। वो कहने लग गया बाबा जी की बॉडी इस हालत में लेके आया, बिल्कुल इस तरह टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी, लड़कियां लगी थी, एक निकर निकर कोई कपड़ा नहीं था। और कहने लगा मचा दे फटाफट जल्दी करो। वो कहने लगा भी कोई साथ संगत का कह देंगे बाबा जी का हुक्म है 11 बजे से पहले पहले बचाना है, जल्दी कह इसको नहला दो। उसने बाल्टी चक के पानी की भी डाल दी, बोली ये ले नुला दिया। और ये बात विष्णु को शायद महात्मा जी को पता नहीं है भी उसने हमारे बाबा जी के साथ ऐसा व्यवहार किया है। और जो रही बात है विष्णु दबाव में क्यों आके ये बयान दे रहा है, इसकी भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि विजेंद्र जो डेरे के अंदर है उसने विष्णु को धीरे 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 कंगाल कर दिया। तेरे को ये काम दिलाऊंगा, तेरे को FDO बनवाऊंगा, वो फलाना करूंगा, यहाँ पे भर्ती कर दे, यहाँ से मिट्टी उठा के यहाँ पर कर दे। आप चौटाला सारे गांव और आसागढ़ा गांव गुआ है, उसने 2 बार 1 एकड़ के अंदर मिट्टी की भर्ती कभी इधर करता है, कभी उधर करता है, कभी इधर करता है, कभी उधर करता है, उसके अंदर उसके 50-60 लाख रुपए एंड हो गए। बनाया बनाया कुछ नहीं, जो इसने बनाना था इसने वाह कर्जा हो गया, इसने जमीन बेची कर्जा उतारने के लिए। तो उस टाइम उसको पता था इसके पास पैसे वो देनदार को देगा। ये सात्र इतना निकला कि इसने पहले ही विष्णु से 1.5 करोड़ रुपया ले गया, बाबा जी का इलाज करवाना है, बाबा जी की 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है तो उनके पास 1.5 करोड़ भी रुपये भी नहीं है। उसको इस तरह कंगाल कर दिया भी अब ये घर का ना घाट का, अब आएगा तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो इसने सारी जमीन बेच दी, सिर्फ मेरे पिताजी के नाम जो 4 कनाल 3 कनाल 10 मरले है वो इसकी पड़ी है, वो पिताजी के नाम पड़ी है, अगर इसके नाम होते शायद वो भी बेच देता। और एक राज की बात और बताता हूँ, ये विष्णु की जमीन है ना इसके अंदर जो इसने बेची है अभी तक इसकी थोड़ी सी लटक रही है जमीन, 1.5 किला गुरुआ डायरेक्टर साहब से एग्रीमेंट तो किया हुआ, उसने कहा भी ये मेरे नाम करवा दो आपको पैसे मिल जाएंगे। उसके अंदर इसने बलकार
और बरकार की घरवाली के नाम जमीन करवा रखी है दो दो कनाल अपने भाई के। ये भी आप देख लो, वीरेंद्र जो हम तो यही चाहते हैं भी ये बाबा जी ये विष्णु जो बयान दे रहा है ना वो दब इससे दबू होके दे रहा है, ये दबाव में दे रहा है, इसलिए मीडिया से दबाव मीडिया को ये जो दे रहा है बयान है वो दबाव में दे रहा है भी। इसने सोचा अभी अब जिसको वीरेंद्र को हमने 1.5 करोड़ रुपए दे दिए, ये अगर नहीं बना तो मेरे तो 1.5 करोड़ गया, बन गया तो शायद आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा भाई साहब, कुछ नहीं आएगा, ये आपको वहीं से भी उठाएगा और 1 रुपया भी नहीं देगा। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा।